हेलो डियर लिसनर्स, डीएमएलटी स्टूडेंट्स जिनका नया एडमिशन हुआ है कॉलेज में, उन सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसमें मैं आप सबको सिलेबस की बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं जो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये है डिप्लोमा प्रोग्राम इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएमएलटी का जो सिलेबस है वो मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को, जो हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा बना गया है। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो वो सब्जेक्ट सब दिए हुए हैं इस टेबल में। तो सबसे पहले इंग्लिश दिया हुआ है, फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी दिया हुआ है, बेसिक केमिस्ट्री दिया हुआ है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी दिया हुआ है, हेमाटोलॉजी दिया हुआ है, एनवायरमेंटल स्टडीज दिया हुआ है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। तो इन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ आप सबको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएमएलटी होता क्या है। तो डीएमएलटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं एडमिशन के एक दो महीने तक तो उन्हें यही नहीं पता होता कि एमएलटी होता क्या है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एमएलटी होता क्या है और ये डिप्लोमा आप लोग क्यों कर रहे हो, इस डिप्लोमा में आप सब क्या क्या स्टडी करोगे। तो एमएलटी की फुल फॉर्म है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी के लिए लैब वर्ड यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। डीएमएलटी लिखते हैं मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, और अगर बीएमएलटी लिखते हैं यानी कि बैचलर डिग्री है। तो बस ये फ़र्क होता है डीएमएलटी और बीएमएलटी में। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको डीएमएलटी का सिलेबस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, उसका सिलेबस क्या क्या आपके आएगा वो मैं बता देता हूँ, बेसिक ओवरव्यू सा दे देता हूँ, बाकी डिटेल में आपको आपके इंग्लिश के टीचर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में आप का सिलेबस जो दिया हुआ है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूँ आपको कि आप क्या स्टडी करोगे। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है, किस 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 तरह से कम्युनिकेट करते हैं हम, फॉर्मल टाइप की होती है, और तो ये सब पढ़ेंगे। बेसिक ग्रामर है जो आपने 10वीं क्लास तक पढ़ी भी होगी वो सब आप पढ़ोगे, नाउन प्रोनाउन पंक्चुएशन वगैरह टेंस वगैरह ये सब आप पढ़ोगे। उससे अलग रीडिंग स्किल्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा इस सब्जेक्ट में, एंड राइटिंग स्किल्स, इसमें आप क्या राइट करना सीख जाओगे, भी मेमोज कैसे लिखते हैं, सर्कुलर कैसे लिखते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, ठीक है, और कॉरेस्पोंडेंस कैसे करते हैं, बिजनेस या ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस जो करते हैं। तो ये सब आपको करना आ जाएगा इस सब्जेक्ट में। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट था हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस सिलेबस में आपके होगा एनिमल सेल, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, तो एनिमल सेल किसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ोगे, बॉडी के टिश्यूज जितने भी होते हैं उन सब के बारे में पढ़ोगे, स्किन की डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ोगे आप, स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ोगे जिसमें हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन हैं, कितने तरह की बोन्स होती हैं, जॉइंट्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें हम लंग्स की स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे हम कि हम सांस कैसे लेते हैं, उससे रिलेटेड सिस्टम है ये, और एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी से रिलेटेड है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, एंड उसके बाद आएगा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन, आई, ईयर, टंग, नोज, इन सब की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड, हार्ट, हमारे ब्लड वेसल्स और लिम्फ्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इस सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में हम हमारी बॉडी की ग्लैंड्स और उन कौन कौन से हार्मोन वो सीक्रेट करते हैं और उनका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है ये सब पढ़ेंगे हम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल का। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है
बेसिक केमिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट आप सब के लिए फर्स्ट ईयर में। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प मिलती है इसकी वजह से। तो इंग्लिश और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में ही होंगे, बस आपके आगे नहीं होंगे। तो बेसिक कंसेप्ट दिए हुए इसमें, ऐसा यूनिट वगैरह पढ़ोगे आप, मैटर एलिमेंट वगैरह इनके बारे में पढ़ोगे, आयंस एटम्स ये सब पढ़ोगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, वाटर, वाटर के सोर्सेज क्या हैं, हार्ड सॉफ्ट वाटर, डिसएडवांटेजेस क्या हैं हार्ड वाटर को यूज़ करने के, और ड्रिंकिंग जो हम पानी पीते हैं उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए और उसको प्योरीफाई हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद एसिड एंड बेस वगैरह पढ़ोगे आप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, कंडक्टर, इन सब के बारे में पढ़ोगे, सरफेस एंड कोलोइड्स पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोजन एंड कार्बन, इन सब की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंपैरिजन पढ़ोगे, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके बारे में पढ़ोगे, एल्कोहल एंड इथर्स हैं इनके बारे में पढ़ोगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं इनके बारे में पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब केमिस्ट्री में आप स्टडी करोगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल माइक्रो लेवल के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करोगे, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, इन सब के बारे में स्टडी करोगे। तो फर्स्ट ईयर में आप बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करोगे, और उससे पहले माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब पढ़ोगे, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ोगे एंड उनकी क्लासिफिकेशंस पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप पढ़ोगे कितने टाइप के होते हैं, एंड स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इस प्रोसेस में आप पढ़ोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की टेक्निक होती हैं अलग अलग, वो सब पढ़ोगे, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ोगे, एंटीसेप्टिक क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, ये सब पढ़ोगे आप, एंड कल्चर मीडिया, ये बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बनाया जाता है ये पढ़ोगे, बैक्टीरिया को स्ट्रेन करना कैसे होता है वो सब पढ़ोगे आप, एंड बैक्टीरिया के टेस्ट कैसे कैसे, कौन कौन से टेस्टिंग करते हैं, हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी में हम जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करोगे। उसके बाद फिर आप इन्फेक्शन के बारे में पढ़ोगे, इन्फेक्शन कितने तरह का होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे इसके सोर्सेज क्या होते हैं और ये कैसे फैलता है। ठीक है, फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, तो हमें रिस्पिरेटरी डिजीज़ है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एंट्रिक फीवर है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, तो ये सब जब हो जाते हैं तो उनको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, वो सब इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है हेमेटोलॉजी। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हेमेटोलॉजी, हेम वर्ड यूज हो रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड। तो इस सब्जेक्ट में आप ब्लड के बारे में स्टडी करोगे, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ब्लड क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या कंपोजिशन है। ठीक है, उसको हम कैसे, उसके सेल हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड के, उनको स्टडी कैसे करेंगे, कौन कौन से ग्लास वेयर्स यूज़ करते हैं, वो सब स्टडी करेंगे हम, प्रैक्टिस कौन कौन से यूज़ करते हैं, ब्लड बनता कैसे है, ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं, वो सब पढ़ोगे, एंटीकोगुलेंट्स इन सब के बारे में पढ़ोगे, अब ब्लड को कलेक्ट कैसे करते हैं और कैसे प्रिजर्व करते हैं, वो सारी टेक्निक्स पढ़ोगे। तो ये सारा आप हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ोगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस सब्जेक्ट में जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टडी की जाएगी, जैसे कि हम एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हो गया, एयर पोल्यूशन के सोर्स क्या क्या हैं, क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारी हेल्थ पे और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ऐसे ही वाटर पोल्यूशन हो गया, तो डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और डिफ्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन, ये सब भी आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो इस सब्जेक्ट में जैसा कि समझ में आ रहा है, बायो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, बॉडीज की जो केमिस्ट्री है उसको इसमें स्टडी किया जाता है।
तो इसमें भी सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में आप इस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, ऐसे यूनिट कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, एंड ग्लास वेयर्स प्लास्टिक वेयर्स के बारे में पढ़ोगे, उनकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है वो पढ़ोगे आप, ठीक है। और बायोलॉजिकल जो सैंपल होते हैं वो कलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि ब्लड है, यूरिन है, स्टूल सैंपल है, अदर बॉडी फ्लूड हैं, तो इन सब को कलेक्ट कैसे करते हैं और प्रिजर्व कैसे करके रखते हैं लंबे टाइम के लिए। फिर उसके बाद ब्लड ग्लूकोज के बारे में पढ़ोगे आप, जिसको शुगर बोलते हैं, शुगर एस्टिमेशन, शुगर ब्लड में शुगर कितने है वो फाइंड आउट करते हैं, ब्लड यूरिया कितना है, सीरम क्रिएटिनिन कितना है, सीरम प्रोटीन कितना है, तो ये सब बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करोगे, यूरिक एसिड एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन बायोकेमिस्ट्री लैब, ये सब आप स्टडी करोगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिक नॉलेज लोगे आप कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या होता है, उसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं आईटी के, वो सारे इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, ठीक है। ये नेटवर्किंग से रिलेटेड हो गया, लैन वैन वाईफाई, ठीक है, प्रिंटर शेयरिंग ऑफ प्रिंटर एंड अदर रिसोर्सेज, आईपी एड्रेस, ये सब क्या है, इस एंटीवायरस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो ये था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस था वो ये था, जिसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको मैं बेसिक सा। तो देखो इसमें दिया हुआ है, तो इसके जो सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इंग्लिश, इंग्लिश में आप बेसिक जो आपकी ग्रामर है वो पढ़ेंगे, राइटिंग लेटर कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, सर्कुलर, मेमो, ठीक है, ये सारे ऑफिशियल लैंग्वेज सीखोगे आप। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ोगे आप, बेसिक केमिस्ट्री में आप बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट सीखोगे, एंड माइक्रोबायोलॉजी में हम जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया वायरस इनके बारे में स्टडी करेंगे, मेटोलॉजी में ब्लड की स्टडी करेंगे, ब्लड के कंपोनेंट्स की भी स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एनवायरमेंट की स्टडी करेंगे हम, एंड बायोकेमिस्ट्री में हम जो हमारी बॉडी में जो जो केमिकल है एक तरह से हम बोल रहे हैं जिनको बायोलॉजिकल फ्लूड बोलेंगे हम, उसमें ब्लड भी है, यूरिन भी है, स्टूल भी है और हमारे अदर बॉडी फ्लूड भी हैं, तो उन सबको स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। एंड आईटी में जैसा कि बताया था मैंने आप लोगों को, उसमें आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे कंप्यूटर के, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस तरह से, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो जो टूल हैं वो सारे आप इसमें स्टडी करोगे, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। तो ये आपके सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर के लिए। अब मैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ, सॉरी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो न्यूली एडमिटेड हैं डेटल के थ्रू, जिनका एडमिशन हुआ है और डायरेक्ट वो थर्ड सेम में पहुंच गए हैं, तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उनको भी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये पढ़ोगे आप। तो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में जैसा कि मैंने बता दिया है ये पार्ट थ्री आएगा उसका, तो आप स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे, बैक्टीरिया को आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, तो सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे वायरस के बारे में एंड फंगस के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट होता है, इस तरह से ये सब आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे। हेमाटोलॉजी में को दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड और थर्ड पार्ट आ जाएंगे सेकंड ईयर में, और इसी तरह से क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है एंड हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी, एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें आप टिश्यू की स्टडी करोगे एंड टिश्यू एंड सेल की स्टडी करोगे और उनकी इन्फेक्शन एंड डिजीज से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि लिखा हुआ हिस्टोपैथोलॉजी, तो टिश्यू की जो डिजीज है उससे रिलेटेड इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जिसको ब्लड बैंकिंग बोलते हैं, तो ये इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड स्टडी करोगे आप, कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बताई जाएंगी आपको कि जॉब लगने के लिए कौन कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन सिलेबस का, न्यूली एडमिटेड जो स्टूडेंट थे वो चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, तो उन सब के लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो बाकी इन सब्जेक्ट